What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज है 7 दिसंबर 2020 मंडे है, सुबह के 8:45 हो रहे हैं। थोड़ा सा लेट आ सकता है ये वीडियो। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के हालात देखेंगे, लेकिन निफ्टी इंडेक्स जैसे कि नए हाइट्स क्रिएट कर रहा है, ओवरबॉट सिचुएशन में है निफ्टी इंडेक्स। ग्लोबल मार्केट में देखें तो यूएस मार्केट में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। नासडैक और डाउ जोन्स ने भी नए हाइस क्रिएट किए, ऑल टाइम हाइस क्रिएट किए। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में पॉजिटिविटी बरकरार है। वैक्सीनेशन जो है वो रशिया में स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे हो सकता है पूरे दुनिया में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाए, तो ये एक पॉजिटिव खबर है। यूएस मार्केट देखें तो नासडैक फ्राइडे को 87 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी अच्छे खासे हरे निशान में बंद हुए। एशियाई बाजार आज हफ्ते के पहले दिन थोड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 72 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। जापानीज इंडेक्स 106 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो ऑल टाइम हाई लगाया 30,000 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। 74 पॉइंट की गिरावट इस समय डाउ जोन्स दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। हमने यहाँ पर लास्ट जो स्विंग हाई लो मिला था हमें, ये यहाँ पर ये लो हाई और ये स्विंग लो, इसको पकड़ के हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। अभी नेक्स्ट यहाँ पर हमें मिल रहा है स्विंग हाई लो, ये और ये, तो इसको पकड़ के अभी नेक्स्ट लेवल्स को प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर RSI को देखें तो ओवरबॉट जोन में है, कभी भी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। हमने पास्ट वीडियोस में भी देखा है कि कैसे यहाँ पर 70 के पास जाने के पास यहाँ पर एक प्राइस एक्शन में फॉल देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पर, तो अभी फिर से 70 के लेवल्स के पास है। ये 70-100 ओवरबॉट जोन माना जाता है, तो थोड़ा कॉशियस रहना होगा। नए हाईज तो क्रिएट कर रहा है निफ्टी इंडेक्स, लेकिन जहां पर भी नए हाईज लगते हैं वहां से प्रॉफिट बुकिंग है, करेक्शन आना लाजमी होता है। तो अभी यहां पर देखें तो 100% के लेवल के बाद 123.6 का जो रेजिस्टेंस था वो भी इसने क्रॉस किया और जस्ट 138.2 लेवल के पास आके ये क्लोज हुआ है। तो अगर यहां से ऊपर की तरफ जाता है तो 13,388 के पास नेक रेजिस्टेंस होगा, जो कि 150 का लेवल है। और यहाँ पर नीचे आते वक्त 13,062 यानी 13,050 के आसपास फर्स्ट सपोर्ट होगा, वो ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स फिर से 12,770 के पास आते हुए हमें नज़र आ सकता है। तो काफ़ी एक्सट्रीम बुलिश निफ्टी इंडेक्स अभी देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट में 20 EMA के ऊपर, काफ़ी ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी बुलिश मार्केट है। इस समय करेक्शन आना लाजमी हो सकता है। तो डेली चार्ट में अगर देखें तो ब्रेकआउट मिला है। ये जो रेड कैंडल की हम बात कर रहे थे, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे मार्केट जो है वो यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड मूव दिखा सकता है। लेकिन जैसे कि अभी ये रेजिस्टेंस लेवल के पास है, हो सकता है ये यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखे, करेक्शन देखे और फिर ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था ये सपोर्ट का काम करके फिर से निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ दिखे। तो ये अभी क्रूशियल बनता है ये लेवल, जो कि रेड कैंडल का हाई है इस समय 13,150 के पास, ये क्रूशियल सपोर्ट होगा। वो अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी यहाँ से फिर से एक बार 20 EMA को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, जो कि 12,810 के पास है। ये डेली और वीकली चार्ट का हमने सिनारियो देखा, इस समय क्या है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, वीकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा स्विंग हाई बनाया, यहाँ पर आर्ली चार्ट में रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया और फिर ऊपर गया। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये अभी हो सकता है सपोर्ट का काम करे। तो पिवट पॉइंट 13,230 को अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर ये अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है 13,281 यानी जो फ्राइडे का हाई था उसको ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,295 और सेकेंड टारगेट होगा R1 का पिवट पॉइंट का लेवल, जो कि 13,307 के पास है। और ब्रेकडाउन लेवल बनेगा पिवट पॉइंट का, ये 13,230 का लेवल। इसके नीचे अगर आता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,215, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा
13,195 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।